राइट, तो चांसेस आर कि अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो तुमने मोस्ट प्रोबेबली मेरा इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट वाला ये इमेज देख लिया होगा जहाँ पे यस आई गॉट हिच्ड। एक सेकंड, अब तुम लोगों को हिच्ड का मतलब समझाना पड़ेगा। हिच्ड यानी कि साँचगांठ, यानी कि हिंदी में शादी और इंग्लिश में मैरिज। जी हाँ, आई गॉट मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ। एंड इससे पहले कि तुम में से कुछ लोग बोले कि भाई ये तो प्रैंक कर रहे हो तुम, नहीं, इट इज नॉट अ प्रैंक दिस टाइम। अब मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा शौक में हो कि भाई ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों, कब, किस लिए, हमें तो कुछ बताया ही नहीं। तो देखो 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 देखो, इट वॉज अ वेरी सीक्रेट वेडिंग, बहुत ही लो की शादी की हमने, जहाँ पे सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स एंड तुम्हारी जो अब भाभी जी है उनके कुछ फैमिली मेंबर्स बस थे। एंड 2 वीक पहले हमारी शादी हुई। एंड मैंने इसके बारे में कुछ पोस्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा पर्सनल अफेयर रखना चाहता था। मैं नहीं दिखाना चाहता मेरी शादी के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह नहीं देना चाहता। एंड सबसे बड़ी बात, तुम्हारी भाभी के बारे में मैंने कुछ क्यों नहीं पोस्ट करा, उनको टैग क्यों नहीं करा कभी, वो इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहती। तो जब वो नहीं आना चाहती, वो अपने खुद की जॉब में खुश है, तो मैं उसको जबरदस्ती कैमरा पे बिठा के आ मेरे साथ बेबी कम ऑन लेट्स मेक वीडियोस नहीं करना चाहता ना, जस्ट फॉर माय व्यूज। उसकी कुछ खुद की प्राइवेट लाइफ है एंड उसकी प्राइवेसी को आई रिस्पेक्ट, एंड इसीलिए वो कभी मेरी वीडियोस में तुम्हें प्रोबेबली नहीं दिखने वाली। एंड ऑल्सो के मैंने ये शादी जो है ग्रैंड स्केल पे क्यों नहीं करी, ज्यादा लोगों को क्यों नहीं बुलाया। तो देखो, मैं अब ये तो नहीं कहूंगा कि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था, नया घर ले लिया, उसके बाद नई गाड़ी भी ले ली, उसके बाद 50,000 लोगों को घर पे बुला के उनको खाना खिलाना, और फिर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता तो थोड़ी सी हम कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। और अब तुम लोग प्लीज ऐसे अजीब सी शक्लें बना के मुझे जज करना बंद कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हिम्मत के साथ पहले तो ये फोटो पोस्ट करी है, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने बिल्कुल लिटरली मेरे को परमिशन देने से मना कर दिया था कि उसकी फोटो मैं ऑनलाइन पोस्ट करूं, बिकॉज वो नहीं चाहती ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आना। बट मैं भाई लेजिट हाथ पैर जोड़ जोड़ के उसको मनाया कि प्लीज एटलीस्ट मुझे लोगों को एक बार बता लेने दो कि मेरी शादी हो गई है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं तुम लोगों से कोई चीज ना शेयर करूं, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना। एंड इसीलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर दिया कि मेरी शादी हो गई है। यार ये कितनी बकवास करता है यार, और तुम भी इसकी बकवास ऐसा भाई सही सही बोल रहा है करके सुनते रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक प्रैंक नहीं चल रहा तुम्हारे साथ। जो शादी के तुमने सीन्स देखे वो सच में हुए हैं, लेकिन वो म्यूजिक वीडियो में हुए हैं। तुम मेरे टू आ रहा है, यस, प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को अभी तक पता चल ही चुका था कि ये बंदा कभी सीरियस हो ही नहीं सकता है। तो हमारी नई म्यूजिक वीडियो आ रही है तुम मेरे टू, जिसमें मैं फीचर हो रहा हूँ, और वो किस चैनल पे आ रहा है, वो इसी चैनल पे आ रहा है जिसका अभी क्या होगा तुम्हें टीजर देखने को मिलेगा। किस बात का करूं मैं इंतजार, साथ फेरे संगलु तेरे, बस रहना मुझको है तेरे साथ, याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात। Yes, तो अभी पूरा गाना जो है वो रिलीज होने वाला है इसी चैनल पे, ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे, फ्राइडे 21st of April 2 बजे, शाम 2 बजे रिलीज होगा। और मैं चाहता हूँ कि जब वो गाना आए तो उस गाने पे भाई इतने कमेंट कर दो, इतने कमेंट कर दो, 1 मिलियन कमेंट्स, रिकॉर्ड तोड़ना यार मेरे को अपने चैनल का, प्लीज यार इतना तो तुम कर सकते हो यार। मैं तुम्हें देखो, मैं प्रैंक थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो तुमको बस बता रहा था कि शादी हो गई है, बिना बताए कि शादी सच में नहीं हुई है, वो तो बस म्यूजिक वीडियो के लिए हुई थी, और ये मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जब होगी तुम्हें पक्का सबसे पहले तुम्हें मिलवाऊंगा उससे भाई, और वैसे भी जब मेरी शादी होगी कम से कम 10-50 हजार व्लॉग तो बनाऊंगा ना मैं। लड़की पसंद कर ली, लड़की के लिए शॉपिंग करी, लड़की को आज यहाँ लेकर गया, वहाँ लेकर गया, 10-15-20 हजार व्लॉग बना के हम भी तो पूरे व्यूज लेंगे। स्मार्ट है। अच्छा, ऑल्सो आई रिकॉर्डेड एक छोटा सा व्लॉग, तो तुम भी देखो तुम मेरे टू की स्नीक पीक, कितना अच्छा हूँ ना मैं यार। लेट्स गो गाइस, शादी के लिए रेडी हो गया हूँ मैं। ये शेरवानी फट जाएगी कभी भी भाई, जल्दी से शॉर्ट्स बना लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, वरना फट जाएगी शेरवानी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मेरी शादी में अब दिन है बाकी 2 मिनट, बस इंतजार में हूँ मेरी दुल्हन आ जाए तो हम फिर उसके बाद यहाँ फेरे लेंगे। A few moments later, दुल्हन आ गई है गाइस, शादी हो रही है फाइनली, इनकी शादी है, काफी खुश है, मैं नर्वस हूँ। वाओ, बटन टूट गया गाइस। देख, अब तक सारे ऊपर थे, जैसी तेरी शादी का समय आया सब नीचे आ गए, सारे ऐसे आ गए, सच्ची की शादी देखने आए हैं। ऑल द बेस्ट फेरे। भाग की शादी में ये नहीं होता। दहेज में अलमारी कौन सी थी भाई? रोलिंग एंड एक्शन। सात फेरे
संग लूं तेरे। मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई की विदाई ना हो जाए, प्यार में कहीं लड़का पागल ना हो जाए। क्या कहना चाहेगा भाभी जी? हो गया, बहुत कुछ बोल लिया। भाभी जी से पूछ, घर से वही बनने वाली विदाई तेरी हो रही है। मतलब डायरेक्टर साहब ने कहा था 3 लेने, तुमने एक्चुअल में 7 फेरे ले लिए, तुम्हारी सच में शादी हो गई है। हमने 12 फेरे ले लिए, 2 जन्म के हो चुके हैं अब। इतना प्यार हो गया पहली मुलाकात में, और आ रहे हैं अभी। अच्छा, और बच रहे हैं एक जन्म के, एक लास्ट बच रहे हैं। एकदम ड्रीम वेडिंग मिली है। मैं बताता हूँ क्या ड्रीम वेडिंग मिली है। ये पजामा देख रहा है, ये जो नीचे पहन रखा है, पजामे के बटन भी खुले हुए हैं, खुले हुए पजामे, द्वार खुला है। हाँ, क्या करूँ, मेरे से 2 साइज छोटा लेकर आया। और ये देख, ये क्या, ये पजामी नीचे से क्या स्लैक्स पहना रखी है मेरे को। बट देखना ड्रीम वेडिंग एकदम ऐसे, क्यारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐसा लग रहा है ब्लेड लगा रखा है कॉलर पे, तब से यूं पकड़ पीछे स्विमिंग पूल, इतना अच्छा व्यू ऊपर से। उनकी हो रही है ड्रीम वेडिंग, उनको पूरा एकदम दुल्हन वाला मेकअप दे दिया। मैंने तो कहा आप इसके बाद सच्ची में जाके शादी भी कर लो। रेडी रेडी सर, सात फेरे, फेक स्माइल के साथ ले ले। डायरेक्टर साहब, मेरी पूरी 5 बार शादी कराई है आपने। बिल्कुल, मतलब आपको तरस नहीं आ रहा था? अभी रहेगी दुल्हन की, वहाँ पे वो दुपट्टा पहना हुआ वो नीचे गिरे जा रहा था, नीचे तो गद्दे लगे हुए उसमें मेरा पैर फंसे जा रहा था, अब जो आग वहाँ पे जल नहीं रही थी, सिर्फ धुआं निकल रहा है और वो धुआं नाक में चढ़े जा रहा था। और आप एक्शन भी नहीं बोल रहे, ना कट बोल रहे हो ना कुछ बोल रहे हो, हम घूमे जा रहे हैं, हम घूमे जा रहे हैं। हमने सोचा लग गया तो वो भी करवा दे, 7 जन्म पूरे करा दे, हम घूमे ही जा रहे हैं वहाँ पे। भाई कह रहे हैं तुम लगे रहो। भाई ये लोग तो इतने ज्यादा सीरियस हो गए थे, ये भाई इस नकली शादी को पहले मेरी एंगेजमेंट करवा के, मेरी शादी करवा के कहते स्वागत भी मनवाएंगे। मैंने बोला भाई कोई अरमान मलिक का चैनल थोड़ी ना, जहाँ पे हम कुछ भी दिखाते रहेंगे, नहीं ये सब नहीं करना हमें। सबसे क्रेजी बात क्या है, मैंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला, इस पे 1 घंटे में 5 लाख लाइक्स और 31,000 कमेंट्स है। भाई गॉड, 31,000। और मेरे को व्हाट्सएप पे अलग लोगों के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं, सब कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं और मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूँ, ऐसे सच में शादी हो गई है। ये ना बिल्कुल शेर आया वाली बात होने वाली है मेरे साथ। जब मेरी सच में शादी होगी ना, तब कोई विश्वास नहीं करने वाला। ये धीरू भाई ने स्टोरी लगाई है, भाई की शादी हो गई। ओए ओए। रघु भाई, आई एम वेरी सैड। अगर ये प्रैंक है तो ठीक है, अगर नहीं है, तुमने शादी कर ली, मुझे नहीं बुलाया, डिस्ट्रैक्ट लाइन लगा दूंगा। डिस्ट्रैक्ट भाई, मैं जरूर बुलाऊंगा धीरू भाई, तुमको जरूर बुलाऊंगा, और किसी को बुलाओ ना बुलाओ भाई, डिस्ट्रैक्ट नहीं मेरे ऊपर। आशीष भाई ने मेरे को भाई मैसेज करके पूछा, भाई ट्रिगू तेरी सच में शादी हो गई है क्या, तू शादी कर लिया कब? मैंने बोला लास्ट वीक। कहते व्हाट? मैंने बोला हाँ शादी तो कर ली, पर म्यूजिक वीडियो में। फिर उन्होंने थोड़ी सी गालियां निकाली और कहते गाली खाने वाले काम करता रहे तू बस। भाई गॉड, मजा आ गया। ये केकेएल ने स्टोरी लगाई है, कॉन्गो मेरी जान। टीम वाइटालिटी वाले कमेंट कर रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, इनके एक एक मेंबर ने मेरे को व्हाट्सएप पे अलग से कांग्रेचुलेशंस बोला है और मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। भाई बिरयानी बहुत अच्छी थी। ये मेरे लोग हैं, ये मिले हुए हैं मेरे साथ, सच लगे था कि पोस्ट, इसलिए ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। स्मार्ट है। पीछे से लाइट्स तो हटा लेते हैं शूटिंग वाली। भाई शादियों में भी लाइटें लगती है भाई, तू क्या अंधेरे में शादी करेगा क्या? सच है सब, मैं इनके घर आया हूँ, मैंने भाभी जी के हाथ की चाय पी है। भाभी जी के हाथ की चाय पी के गया फैन गर्ल्स के दिल टूटते हुए। डूड सच में इतने मैसेजेस है फैन गर्ल्स के, आपने हमें धोखा दिया है। मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लेके रखे हुए हैं, ये सुनो। वेट व्हाट भाई, व्हाट इज दिस? ये रोहित ऑन वेब, जो कि भुवन भाई के मैनेजर है, उनका मैसेज है। केकेएल बोलता है पार्टी में नागिन डांस करूंगा। नियॉन मैन बोलता है WTF, नियॉन मैन ने तो अब तक वीडियो भी बना दी होगी। तो वेरी वेरी हैप्पी कांग्रेचुलेशंस टू ट्रिगर्ड इंसान, आपको पैसा चाहिए। आकाश भाई कमेंट करते हैं, रिसेप्शन पे खाना खाने नहीं बुलाओगे? बुलाऊंगा भाई, बिल्कुल बुलाऊंगा। अबू ने कमेंट करे कांग्रेचुलेशंस भैया भाभी। मैंने बोला ना ये तो हमारे आदमी है, ये तो मिले हुए हैं। OMG व्हाट भाई, बोल दे ये झूठ है भाई। एक सेकंड, अगर ये सच भी है तो क्या हो गया भाई? सच में किसी ना किसी दिन तो शादी होगी ना तुम्हारी बन्नों की। ओ माय गॉड, आंसू ही आ गए।
काजू कतली फॉर रियल? काजू कतली नहीं है, काजू कतली चली गई। एकदम से ऐसे कैसे वक्त बदल दिया? दोनों प्यारे लग रहे हो जी। ओएमजी, इज दिस फॉर रियल? क्राइंग इमोजी। अगर ये प्रैंक नहीं है तो कांग्रेचुलेशंस, ये प्रैंक ही है। निश्चय इज इक्वल टू छुपा रुस्तम। अयो व्हाट व्हाट व्हाट, इज इट रियल? न्यूज की जगह डायरेक्ट हार्ट अटैक ही दे दिया आपने। अरे मेरी शादी से लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? आई गेस तुम मेरे 2 की शूटिंग चल रही है और ट्रिगर्ड इंसान हमें प्रैंक कर रहे हैं कि उनकी शादी हो गई है। वाओ, मिष्टी तो बहुत ही स्मार्ट है, इसने तो पहले ही पूरा गेस कर दिया था। आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही था, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स यही थे कि पक्का किसी म्यूजिक वीडियो का शूट है। कुणाल भाई कमेंट करते हैं फेक है, कॉज असली शादी होती तो ट्रिगू जॉर्डन्स पहनता। क्या, क्यों? और ये बॉडी बिल्डर अनिरुद्ध क्यों कमेंट कर रहा है? ये सच नहीं हो सकता, तुझे मेरी शादी से? एक्सक्यूज मी अनिरुद्ध, मुझे तो पहले ही शक था देर पे। नदीम कमेंट करता है मुझे लगा आप सिंगल ही रहोगे। क्यों बे, मैं जिंदगी भर सिंगल क्यों रहूंगा? शूट और व्हाट, दैट्स इट भाई, मेरा पूरा ईयर बन गया। ओएमजी सो हैप्पी। मोहिनी का व्हाट भाई, क्राइंग इमोजी, हैप्पी क्राइंग इमोजी, क्राइंग इमोजी, क्राइंग इमोजी। सारी लड़कियां अपनी नस नहीं काटना। हार्ट अटैक का रिकॉर्ड टूटेगा सीरियसली? दैट्स नॉट रियल ना, पर ये कब हुआ, कैसे हुआ? क्राएगी मुझी, क्राएगी मुझी, क्राएगी मुझी। वेट व्हाट, प्रैंक हो गया आपके साथ। डैम, क्राएगी मुझी, प्रैंक है भाई, फिर से मैं नहीं करता ट्रस्ट अब ट्रिगर्ड पे। कैफ भाई तू समझदार है भाई, सिर्फ तू ही समझा है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। आई एम डैम श्योर दिस वाज अ पार्ट ऑफ तुम मेरे 2 का शूट। इट इज एक्चुअली इट इज। बट भाई जो एंगेजमेंट आई है ना, 1 घंटे में 500,000 लाइक्स, 31,000 कमेंट्स। अरे बाप रे, इवन मिथपैट भी मेरे को मैसेज करके बोला व्हाट शादी, व्हाट सच्ची कांग्रेट्स। मैंने बोला हां जी भैया थैंक्स। कह रहे कब हुई, डायरेक्ट बॉम्ब ड्रॉप कर दिया इंस्टा पे। मैंने बोला 2 हफ्ते हो गए। तब से सोच रहा था अनाउंस कर दूं, बट बंदी मान नहीं रही थी। कह रहे क्रेजी, तू शादी को बुलाता तो मैं आ जाता गुलाब जामुन खाने। इसके बाद मेरी और मिथपैट की फोन पे बात हुई और मैंने उसको बताया कि ये प्रैंक है, तो ही वाज लाइक भाई दिस हैज टू बी द क्रेजीएस्ट प्रैंक। और इसके बाद भी अगर तुम्हारी म्यूजिक वीडियो वो नहीं चली तो भाई भगवान नहीं जाने कहां चलेगी। एनीवेज गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तो मेरी सच में शादी जब होगी मैं प्रॉपर अच्छे से तुमको बताऊंगा, ऐसा एकदम से बॉम्ब नहीं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन हमारा गाना आ रहा है एक बार फिर से 21st अप्रैल फ्राइडे ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे 2 बजे। एंड जब वो गाना आएगा आई जस्ट वॉन्ट 1 मिलियन कॉमेंट्स उस पर तुम लोग कर दो, आग लगा दो। मतलब इतना प्यारा गाना है ना और इतनी प्यारी वीडियो बनी है ना, टीजर तो तुम लोगों ने देख लिया है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। किस बात का करूं मैं इंतजार, साथ फेरे संग लूं तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ। याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात।